Hyderabad International School, CBSE plus exceed syllabus which is followed in 8 countries, modern plus Islamic education, 5-step activity based and play way method. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है A18 तेलंगाना न्यूज़ पर। आज 1 जुलाई थर्सडे का दिन है, आइए नाज़रीन देखते हैं इंटरनेशनल और नेशनल के ख़ास ख़बरें। इंडिया में एक ही दिन में अचानक कोविड-19 केसेस में इजाफा पाया गया है। पिछले 24 घंटों में 45,991 कोरोना पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए और पिछले 3 दिन से कोरोना से मौत होने वाले 1,000 के नीचे ही दर्ज हो रहे हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह ऐलान किया वेनेसडे के दिन। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। उन्होंने इजलास के दौरान कहा कि कोरोना से एहतियात करना ज़रूरी है, तभी कोविड-19 की तीसरी लहर को रोका जा सकता है। बताया जा रहा है कि ये मीटिंग करीब 5 घंटे की थी, जिसमें हेल्थ मेंबर्स ने भी शिरकत किए थे। जैसे नीति आयोग के VK पॉल ने कोरोना वायरस महामारी पर रिपोर्ट पेश किए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तमाम हेल्थ मेंबर्स को कहा कि आवाम की बीच पैगाम देना ज़रूरी है कि कोविड-19 से एहतियात अहम है, तभी कोरोना वायरस की तीसरी लहर को रोका जा सकता है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी के मिनिस्टर से भी गुजारिश की है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, एहतियात करें। नरेंद्र मोदी ने साथ ही ये भी कहा कि कुछ लोग कोरोना को लेकर अफवाह फैला रहे हैं, जिसे रोकना ज़रूरी है। आवाम के बीच अफवाह की वजह से गलत खबर पहुँच रही है। BJP MLA जो बालिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका नाम है सुरेंद्र सिंह, जो अपनी नफरती बयानों से जाने जाते हैं, AIMIM सदर MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को पॉलिटिकल टेररिस्ट कहा है। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर इल्ज़ाम लगाया कि असदुद्दीन ओवैसी आवाम के बीच नफरत पैदा कर रहे हैं। BJP MLA सुरेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि जल्द ही वेस्ट बंगाल में प्रेजिडेंट रूल नाफिज कर दिया जाएगा। रिपोर्टर से बात करते हुए बारिया में प्रोग्राम के दौरान BJP MLA सुरेंद्र सिंह ने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM लीडर्स को इंडिया की सेक्युलरिज्म पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हिंदूज फिलवकत मेजॉरिटी में हैं। और आखिर में BJP MLA सुरेंद्र सिंह ने कहा कि ओवैसी सियासी आतंकवादी हैं, जो आवाम के बीच नफरत पैदा करते हैं। व्हाइट हाउस चीफ मेडिकल एडवाइज़र डॉक्टर एंथनी फाउसी को कोरोना वेरिएंट को लेकर आगाह किया गया है। बताया जा रहा है कि जो वेरिएंट इंडिया में मिला है, वो बहुत खौफनाक वेरिएंट माना जा रहा है। इंडिया में पाया गया कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट विदेशों में कहर मचा रहा है, खुसूसन अमेरिका में। ट्यूसडे के दिन व्हाइट हाउस में कोविड-19 रेस्पॉन्स टीम के इजलास के मौके पर फाउसी ने कहा, जितने भी कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए हैं, उसमें से 20% डेल्टा वेरिएंट के बताए जा रहे हैं। पिछले हफ्ते से 10 गुना ज़्यादा केसेस अमेरिका में दिन पे दिन दर्ज किए जा रहे हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में पहली बार इजरायली एम्बेसी खोली गई है ट्यूसडे के दिन। ये इजरायल की एम्बेसी इजरायल के फॉरेन मिनिस्टर यार लापेद की जानिब से इफ्तिदा अमल में आया। नौरा अलकाबी की मौजूदगी में ये इफ्तिदा अमल में आया। इस मौके पर एमिरेती मिनिस्टर ऑफ कल्चर और यूथ इन अबू धाबी ने मीडिया से इस ताल्लुक से तफसलात बताई। 798 डॉक्टर्स की मौत हुई है इस कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते, और सबसे ज़्यादा दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश में कोरोना के कहर के सबब डॉक्टर्स की मौत हुई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक ट्यूसडे के दिन उन्होंने कहा कि 158 डॉक्टर्स दिल्ली के कोरोना पॉजिटिव होने के सबब उनकी मौत हुई पेशेंट्स के इलाज के दौरान, और बिहार में 115, उत्तर प्रदेश में 79 डॉक्टर्स की मौत हुई है। वहीं तेलंगाना में 37 डॉक्टर्स की मौत हुई है। बॉलीवुड के जानी मानी हस्ती एक्टर दिलीप कुमार और एक्टर नसीर उद्दीन शाह, दोनों की तबीयत बिगड़ जाने के सबब दोनों को हॉस्पिटल शरीक किया गया है। दिलीप कुमार को हिंदुजा हॉस्पिटल शरीक किया गया है सांस लेने की तकलीफ की शिकायत के बाद, और नसीर उद्दीन शाह को एडमिट किया गया है हॉस्पिटल। उन्हें 2 दिन कबल निमोनिया हुआ था, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल शरीक होना पड़ा। वेनेसडे के दिन UAE ने मार्स के तस्वीरें जारी किए। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पहली बार मार्स के अल्ट्रा वायलेट तस्वीरें जारी किए हैं। साथ ही मार्स में नाइट साइड एटमॉस्फेयर की भी तस्वीरें जारी किए गए। बताया जा रहा है कि UAE फरवरी से मार्स मिशन पर था, इसी ताल्लुक से वेनेसडे यानी कल तस्वीरें जारी किए गए मार्स प्लैनेट के।
After successfully spreading education since 12 years, renowned educationalist Mr. Partha Sarthi, Director Success Junior College brings you Success Junior College for Girls affiliated to Board of Intermediate, Success Degree College for Women affiliated to Osmania University, latest educational infrastructure, fully furnished and sanitized AC classrooms, spacious computer lab and science lab where you can engage your passion with respect and encouragement. Management are themselves faculty along with other senior faculty members. Courses offered for degree students: BSc NZC Nutrition, BSc BZC, BBA, BCom Computers, BCom General. Courses offered for intermediate students: MPC JEE and MCET, YPC NEET and MCET, MEC CACMA, CEC CACMA, CEC Computer and Regular. 100% scholarship assistance. Transport facility available. Hurry up, admissions are open. Success Junior College for Girls, Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.